अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट मैट्रिक के लेक्चर नंबर 3 को समझने जा रहे हैं, जिसमें हम किसी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें से एक नंबर जो है वो 100 से कुछ थोड़ा ज़्यादा होगा और एक नंबर जो होगा वो 100 से कुछ कम होगा। तो उन दो नंबर को हम 5 सेकेंड में बगैर कैलकुलेटर के किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 101 मल्टीप्लाई बाई 96। अगर इन दो नंबर को हमें 5 सेकंड में मल्टीप्लाई करना है बगैर कैलकुलेटर के, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 101 100 से कितना ज़्यादा है, ये एक ज़्यादा है। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। अब 96 में या तो 1 प्लस करो या 101 में 4 माइनस करो, दोनों कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आएगा, दोनों कंडीशन में आंसर आएगा 97। अब 97 आने के बाद इन दो नंबर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसमें 208 करेंगे। अब -4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, -4। तो हम इसमें से -4 माइनस कर देंगे। तो अब 9700 में 4 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होती है 9696, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। अब एक और नंबर को हम एग्जांपल के तौर पर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल 102 और हम 95 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये 100 से 2 ज़्यादा है, ये 100 से 5 कम है। अब 95 में 2 प्लस करें या 102 में 5 माइनस करें, दोनों कंडीशन में नंबर आएगा 97। हम इसमें 2 का क्या करते हैं, इजाफा, 2 जीरो का इजाफा करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और +2 ये हो जाता है -10। तो 9700 में हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9690, जो कि इसका आंसर है। मजीद सवालात को स्पीड से करने से पहले हम आपको बताते चले कि ये लेक्चर हमारे YouTube चैनल सिनबोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होगी। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है कि मैट्रिक पर हम कम से कम 50 से ज़्यादा लेक्चर बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करेंगे, तो उन्हें मिस मत कीजिएगा। आइए हम दो नंबर को स्पीड से हम मल्टीप्लाई करके बताते हैं। 98 मल्टीप्लाई बाय 103, ये 100 से जो है वो 2 कम है, ये 100 से 3 ज़्यादा है। इसमें जब हम ये प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 101, 2 जीरो का इजाफा किया हमने, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाता है -6। तो जब हम इसमें से -6 माइनस करते हैं तो 10094, जो कि इसका हमारे पास आंसर है। इसी तरीके से दो नंबर को फिर हम स्पीड से मल्टीप्लाई करके बताते हैं। 102 मल्टीप्लाई बाय 93, ये 100 से 2 ज़्यादा है, ये 100 से 7 कम है। जब हम 93 में +2 करते हैं ये हो जाता है 95, 2 जीरो का इजाफा किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाता है -14। तो -14 जब इसमें सम करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 9486, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।